In some countries, owning a home rather than renting one is very important for people. Why might this be the case? Do you think this is a positive or negative situation? Many countries around the world have seen a trend towards owning your home instead of renting. This essay will consider why this is a case and whether or not this is beneficial. दुनिया भर के कई देशों ने किराए पर लेने के बजाय अपना खुद का घर रखने की प्रवृत्ति देखी है। यह निबंध इस बात पर विचार करेगा कि ऐसा क्यों है और यह फायदेमंद है या नहीं। The first reason why people wish to buy their own home is because it provides them with a sense of stability. Rental contracts are temporary agreements, often just between 6 and 12 months in duration, at the end of which you may have to leave and find alternative accommodation. Owning a home means you get to live there permanently. लोग अपना घर क्यों खरीदना चाहते हैं? इसका पहला कारण यह है, यह उन्हें स्थिरता की भावना प्रदान करता है। रेंटल कॉन्ट्रैक्ट अस्थायी समझौते होते हैं, अक्सर केवल 6 से 12 महीने की अवधि के बीच, जिसके अंत में आपको वैकल्पिक आवास छोड़ना और ढूंढना पड़ सकता है। एक घर के मालिक होने का मतलब है कि आप वहाँ स्थायी रूप से रह सकते हैं। The second reason and one which has grown in importance in recent years is that owning your own home is seen as an investment. Property prices generally rise, so real estate can be a safe place to invest your surplus income. House prices in the UK, for example, rise by around 4% per annum, whereas interest on bank deposits is close to zero. दूसरा कारण और एक जो हाल के वर्षों में महत्व में बढ़ गया है वह यह है कि अपना खुद का घर खरीदना एक निवेश के रूप में देखा जाता है। संपत्ति की कीमतें आमतौर पर बढ़ती है, इसलिए अचल संपत्ति आपकी अतिरिक्त आय का निवेश करने के लिए एक सुरक्षित स्थान हो सकती है। उदाहरण के लिए यूके में घर की कीमतों में लगभग 4% वर्ष की वृद्धि होती है, जबकि बैंक जमा पर ब्याज शून्य के करीब होता है। फॉर इंडिविजुअल्स देन देयर सीम टू बी क्लियर पॉजिटिव बेनिफिट्स टू ओनिंग योर होम, बट ओवरऑल आई फील देयर आर कंसिडरेबल डाउनसाइड्स बोथ फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर सोसाइटी एज अ होल। फॉर मोस्ट पीपल बाइंग प्रॉपर्टी रिक्वायर्स टेकिंग आउट अ मॉर्गेज टिपिकली फॉर अ लेंथ ऑफ 25 ईयर्स एंड इफ एट एनी टाइम ड्यूरेशन दिस पीरियड बोरोवर्स आर अनेबल टू मेंटेन मॉर्गेज पेमेंट्स they risk losing their property. For society as a whole, there are also negatives. The demand for buying property leads to house price inflation, which can mean people on low incomes, such as young people, can find it impossible to buy their own home, forcing them to rent. व्यक्तियों के लिए तो अपने घर के मालिक होने के स्पष्ट सकारात्मक लाभ प्रतीत होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि व्यक्तियों को समग्र रूप से समाज दोनों के लिए काफ़ी कमियां हैं। अधिकांश लोगों के लिए संपत्ति खरीदने के लिए आमतौर पर 25 वर्षों की लंबाई के लिए एक बंधक निकालने की आवश्यकता होती है, और यदि इस अवधि के दौरान किसी भी समय उधारकर्ता बंधक भुगतान को बनाए रखने में असमर्थ है तो वे अपनी संपत्ति खोने का जोखिम उठाते हैं। समग्र रूप से समाज के लिए नकारात्मक भी है। संपत्ति खरीदने की मांग से घर की कीमत में बढ़ोतरी होती है, जिसका मतलब यह होता है कि कम आय वाले लोग, जैसे कि लोगों को अपना घर खरीदना असंभव हो सकता है, उन्हें किराए पर लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इन कंक्लूजन, अ डिजायर फॉर स्टेबिलिटी एंड सीइंग अ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट आर की रीजंस बिहाइंड द ट्रेंड टुवर्ड्स बाइंग प्रॉपर्टी, बट डिस्पाइट दिस बेनिफिट देयर आर सीरियस प्रॉब्लम्स। अंत में स्थिरता की इच्छा और अपने निवेश पर रिटर्न देखना संपत्ति खरीदने की प्रवृत्ति के पीछे प्रमुख कारण है, लेकिन इन लाभों के बावजूद गंभीर समस्या है।